वहीं जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते नजर आए। साथ ही उन्होंने प्रदेश में होने वाले चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में बस्तर संभाग में धर्मांतरण के मुद्दे बढ़े, प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो हम धर्मांतरण को लेकर कानून बनाएंगे। और अपने आका को खुश करना कि मेरे छत्तीसगढ़ में, मेरे बस्तर में, मेरे जगदलपुर के अंदर केवल धर्मांतरण के लिए छूट दे रखा हूं, ये नहीं चलेगा। और आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इसके लिए धर्मांतरण को रोकने के लिए हम कानून बनाएंगे। और ये सरकार जाने वाली है, ये सहारा ले रही है छल और कपट और भारत को कमजोर करने का। केंद्रीय मंत्री के धर्मांतरण पर कानून बनाए जाने को लेकर सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के समय से ही धर्मांतरण पर कानून बना हुआ है, जो भी धर्मांतरण हो रहे हैं उस पर तत्काल कार्रवाई भी हो रही है। मध्य प्रदेश के समय से धर्मांतरण पर कानून बना हुआ है और उसको हम लोगों ने एज इट इज उसको एडॉप्ट किया हुआ है 2000 से, और जो भी जबरिया धर्मांतरण हो रहा है वहां कार्रवाई हो रही है। जो शिकायतें हुई उसमें भी कार्रवाई हुई, कुछ फर्जी भी शिकायतें हुई लेकिन कुछ सही शिकायतें हुई उसमें कार्रवाई हुई। और जहां तक के गिरिराज सिंह, तो इसके पहले एक आध बार और आए होंगे लेकिन उसके समय में जितने चर्चेस बने हैं, भारतीय जनता पार्टी जब ये बात बोलता हूं तो उसके तरफ से कोई बयान नहीं आता। ये 15 सालों में जितना चर्चेस बने हैं उसके पहले नहीं बना है ना उसके बाद नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी मेरे इस दावे का खंडन कर ले। वही टिकट की दावेदारी को लेकर सीएम भूपेश ने